ये हमारा सौभाग्य है कि 19 नवंबर को हमें इस लखनऊ में खालसा चौक की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खालसा चौक ये केवल खालसा एक पंथ नहीं, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक ऐसा तेज है, प्रकाश पुंज है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर किया था। खालसा पंथ की स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो मुगल कवि भारत के अंदर छाए हुए थे, सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि ये सच का रास्ता था, धर्म का रास्ता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके चार चार साहबजादों ने, क्या उम्र थी, ये उम्र जो खेलने की होती है, उस उम्र में सरहिंद के लिए, देश और धर्म के लिए, उस समय भी तो औरंगजेब उनको झुकाने का प्रयास कर रहा था। एक बार केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उनके दो छोटे पुत्रों ने कहा नहीं, जिंदा दीवार पे चिनवा लिए गए। दो पुत्रों ने, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुजार सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की, लेकिन दुश्मन के सामने कहीं झुके नहीं। और ये हमारा सौभाग्य है जो वर्षों से मांग थी, वर्षों से दशकों से मांग होती रही थी कि साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को साहबजादा बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम के साथ मना करके एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं।